जबलपुर चौकी पडरी तहसील कुंडम ग्राम कोयलारी प्लांटेशन में गड्ढे खुदाई का कार्य कर रहे मजदूरों को मजदूरी नहीं दी गई। मजदूरी मांगने पर उन्हें केवल धमकी दी गई। वे न्याय की आस लगाए मंगलवार को जनसुनवाई में आए एवं कलेक्टर ने बोला कि आपका रुपया आपको मिल जाएगा, आप वन विभाग अधिकारी के पास जाइए। तब वे सभी वन विभाग अधिकारी के पास चले गए, परंतु संबंधित अधिकारी ने इनको बोला कि आधे पैसे मिलेंगे, आपको लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, आपको जो करना है वे कर लो। ये सभी लोग वापस कलेक्ट्रेट आ गए और अब ये सभी सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं। ये सभी अपना डेरा कलेक्ट्रेट के अंदर गार्डन में डाले हुए हैं। इन सभी मजदूरों के साथ छोटे छोटे बच्चे एवं कुछ महिलाएं भी हैं। उन सभी के नाम नरेंद्र पाल कुमार, हर्ष लाल, रमन लाल, शिव प्रसाद, मनोज मिथिलेश, राजकुमार नीरज, पप्पू रूपा कमला, नगेंद्र रामचरण, पिंकी राजेंद्र, ललिता बाई, अनिकेत अहिल्ला रामू, नीलू बाई रानी बाई आदि मजदूर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। रिपोर्ट पुरुषोत्तम श्रीवास। काम कर रहे थे वन विभाग कुंडम में, चौकी कुंडम की है, वन विभाग का काम है। हम ग्राम पड़रिया में काम कर रहे थे, काम करवा लिए दो तीन, हम एक माह से पड़े वहाँ, ना कोई खाना ना कोई पीना ना कोई कुछ, और पैसा मांगने में कहते हैं इनको, तो पैसा जब देखो तो पैसा ही पैसा पड़ी रहती है, भूखमरी पड़ी रहती है। हमने बोला कि सर हमारे इनकी चाची ख़त्म हो गई, हमको पैसा दे दीजिए, घर जाना है। तो उनने बोला कि जाइए आप अपने क्रियाकर्म कर दीजिए अपने घर का, फिर आके पैसा ले जाना। तो हमने बोला कि अब बिन पैसे से थोड़ा ना हो जाता क्रियाकर्म, हम इसीलिए तो यहाँ डरे हैं कि कुछ हमको आवश्यकता हो तो पैसा मिले। उनने बोला कि अभी नहीं मिल पाएगा पैसा, तो हमने बोला कि अभी नहीं मिल पाएगा तो हमको मजबूर मत करो, हमको पैसा दो। तो उनने बोला कि जाओ, तुमको जहाँ जाना हो तो चले जाओ, हमारे पास अभी नहीं। क्या नाम आपका? मेरा नाम ललिता। हमारे बीच में जबलपुर ज़िले में कटनी ज़िले से आए हुए मजदूर हैं, जिन्होंने जबलपुर ज़िले के अंतर्गत कुंडम परिक्षेत्र वन परिक्षेत्र के काम किया है लगभग एक माह है, जो इनका मानना है कि हमें मजदूरी नहीं मिली है। और कितने दिन काम किया, कैसा किया, हम इनसे जानकारी लेते हैं। सर हम लोग काम आकर 17 जनवरी से शुरू किए थे प्लांटेशन, प्लांटेशन कोयलारी सर। हाँ, इसमें हम लोग काम कराया गया हफ्ते बाई हफ्ते, परमेंट की बात में हफ्ते बाई हफ्ते परमेंट नहीं हुआ सर। माह बीत गया, डेढ़ माह बीत गए, और जब हम डेढ़ माह बीतने के बाद सर परेशान हो गए कि पैसा हमारा नहीं आ रहा है। जब हम पहुंचे जबलपुर कलेक्टर ऑफिस, तो कलेक्टर ऑफिस ने आदेश दिया कि आपको पैसा मिल जाएगा। हम फिर सर गए कार्यालय वन मंडल कि जाइए वहाँ आप हिसाब किताब लीजिए। वहाँ गए सर तो हिसाब किताब लोगों को नहीं दिया गया, बोलते हैं कि खाते में पैसा आएगा आपके। तो हम खाता भी दे दिए सर, खाता देने के बाद हमारी मांग ये है कि हमारे खाते में पैसा आ जाए, हम देख लें सर अपनी आंखों से कि हाँ आ गया है, और हम लोग यहाँ से सर चले जाएंगे। और जब तक हमारे खाते में पैसा नहीं आ रहा सर, हम नगद की मांग किए थे सर कि हमें नगद पैसा चाहिए, बाकी उन लोग नगद नहीं दिया, बोले खाते में आएगा। तो हम खाते भी में मान गए सर कि चलो खाते में आ जाए, बाकी हम देख लेंगे सर कि खाते में आ गया तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। अभी हमारे खाते में सर पैसा नहीं आया। हमारे पास जो बैठे हुए हैं कलेक्ट्रेट, जबलपुर कलेक्ट्रेट में बैठे हुए हैं जो मजदूर कटनी ज़िले से आए हैं, छोटे महिलाएं भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कल से यहाँ कलेक्ट्रेट में धरना के तौर पर बैठे हुए हैं। और इनका मानना है कि हमारा पैसा ना कैश ना खाता किसी प्रकार से नहीं आ रहा है, और हमें जानना चाहते हैं कल से आप यहाँ रुके तो शासन प्रशासन ने कोई आपकी व्यवस्था की क्या? कोई व्यवस्था नहीं हुई सर, वन विभाग ने बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं सर। तो आपको कुछ पेमेंट तो मिली होगी? कोई पेमेंट नहीं हुई, खर्चा वर्चा तो मिला होगा सर काम में। पेमेंट कितनी बाकी है? पेमेंट हमारी अभी 1 से 1.5 लाख बाकी है सर पेमेंट। 1 से 1.5 लाख रुपये इन गरीबों का जो वन विभाग द्वारा नहीं दिया जा रहा है इनका मानना है। तो इस संदर्भ में हम अधिकारी वन परिक्षेत्र अधिकारी से बात करते हैं। और आपका नाम? मेरा नाम रमन लाल लोनी, ग्राम पंचायत गुड़ा, जिला कटनी। कुंडम परिक्षेत्र के अंदर कटनी की लेबर जो जबलपुर कलेक्ट्रेट में धरने के तौर पर बैठी है, और उनका मानना है कि वन विभाग द्वारा हमारी पेमेंट रोक ली गई है, जिन्होंने अनुमानित 1 लाख रुपए अपनी पेमेंट बताई जा रही है, और कहना है उनका कि हम 2 दिन से भुगतान में बैठे हैं। इस संबंध में जबलपुर के संबंधित वन विभाग के बड़े अधिकारियों से हम बात करते हैं कि ये मामला किस प्रकार से क्यों उलझा हुआ है और उनकी पेमेंट क्यों नहीं मिल रही है।
जी, ये जो जबलपुर के कुंडम क्षेत्र का मामला सामने आया है, जिसके अंदर कुछ लेबर जो है जिसने वन विभाग में हमारे विभाग में गड्ढा खुदाई का कार्य किया, तो उनकी पेमेंट में डिले का इशू बताया गया था, तो उसको हमने चेक करवाया। उनके 3 बंच के अंदर पेमेंट आई थी, 1 बंच पहले ही प्रोसेस कर दिया गया था, 2 बंच जो थे वो टेक्निकल इशूज़ की वजह से वो रिजेक्ट हो रहे थे जो नया प्लेटफॉर्म है, बट उसको भी कल रात TO साहब के द्वारा प्रोसेस करा दिया गया है। तो अभी पेमेंट का मामला उनका सॉल्व हो गया है और फील्ड में निरीक्षण कराया गया तो उनके द्वारा काम पूर्ण पाया गया, तो अभी उस मामले को सॉर्ट आउट कर लिया गया और लेबर को बता दिया गया उनके खाते की वो चेक कर लें। हमारा विभाग इस चीज़ में भी उनकी हेल्प कर रहा है कि बैंक में जाके उनके खाते में जो पैसे हैं उनको दिखा दिया जाए। उनका मानना है कि सब 7,000 रुपये ही खाते पर व्यक्ति आया है। अभी की स्थिति में कल की पेमेंट के बाद और पहले मंच के बाद 3.25 लाख रुपये के करीब उनके खाते में आ चुका है, और ये अभी वो बैंक में जाके देख भी सकते हैं और हमारा स्टाफ भी इसमें उनकी मदद करें। जो शेष बचा कब तक मिलने को मिले? एक इसके अंदर एक प्रोसीजर हम छोटा सा फॉलो करते हैं कि जो व्यक्ति काम करता है वो एक बार अपना काम जो है रिकॉर्ड करवा देता है। उन्होंने काम रिकॉर्डिंग जो बचा हुआ काम वो रिकॉर्ड कराने का प्रोसेस आज शुरू कर दिया है लेबर ने स्वयं से, तो जल्द ही उसका वाउचर बन के हमारे पास आ जाएगा और वो प्रोसेस हो जाएगा। करीबन 80,000 से 1 लाख के करीब का और पेमेंट शेष है, वो वर्क रिकॉर्डिंग के बाद हम प्रोसीजर फॉलो करके उनका करवा देंगे। थैंक यू सर।